जब कोई बेटा 12 साल के बाद घर लौटे तो यकीनन ये खुशी की बात होगी, लेकिन बक्सर के युवक के घर लौटने से उसके घर वाले हैरान भी हैं। दरअसल परिवार के लोगों ने 12 साल पहले उसे मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। उसे खोने का मातम भी मना लिया था। उसकी दुल्हन की मांग उजड़ गई और बाद में उसकी दूसरी शादी भी हो गई। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। परिवार के लोगों ने जिसे मृत समझकर अंतिम संस्कार कर दिया था, वो जल्द ही अपने घर लौटने वाला है। युवक को घर लाने के लिए पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। जब परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। युवक की बूढ़ी माँ अपने बेटे के घर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। मामला बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खिलाफतपुर गांव का है। यहां करीब 12 साल पहले छवि मुसहर अपने घर से अचानक लापता हो गया था। उसकी काफी तलाश भी की गई, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। बाद में परिजनों ने उसे मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उसका श्राद्ध कर्म भी कर दिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पति को मृत मानकर उसकी पत्नी ने भी दूसरी शादी कर ली, लेकिन अब छवि वापस लौट रहा है। उसे वापस घर लाने की तैयारियां की जा रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छवि मुसहर 12 साल पहले पंजाब से भटककर पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया था, जिसके बाद उसे पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा पकड़ लिया गया और कराची जेल में बंद कर दिया गया था। पिछले साल दिसंबर के महीने में विदेश मंत्रालय को ये सूचना मिली कि भारत का एक युवक भटककर पाकिस्तान पहुंच गया है और उसे कराची जेल में बंद किया गया है। सूचना मिलने के बाद विदेश मंत्रालय ने युवक की पहचान के लिए स्थानीय प्रशासन से उसकी जानकारी मांगी। छवि के लापता होने की पुष्टि बक्सर जिला प्रशासन द्वारा की गई। पुष्टि होने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से युवक को रिहा करने की मांग की। डीएम अमन समीर से मिली जानकारी के मुताबिक युवक को पाकिस्तान सरकार के द्वारा अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंपा गया था। बीएसएफ के द्वारा युवक को गुरदासपुर डीएम को सौंपा गया। गुरदासपुर डीएम ने सूचित किया। इसके बाद एसपी के निर्देश पर एक टीम युवक को लाने के लिए गुरदासपुर के लिए निकल चुकी है। बक्सर के एसपी नीरज कुमार सिंह ने कहा, मुफस्सिल थाना के खिलाफतपुर गांव से गायब युवक छवि को लाने के लिए टीम को पंजाब भेजा गया है। आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे बक्सर लाया जाएगा। युवक को उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। छवि के परिजन बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही छवि अपने घर वालों के साथ होगा। लेकिन ऐसे में कहानी में ट्विस्ट ये है कि उसकी पत्नी, जो कि अपने आप को विधवा समझकर दूसरी शादी रचा चुकी थी, उसका पति अब वापस लौटने वाला है। ऐसे में आगे क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।